आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपना मोबाइल का किसी भी वीडियो को पीआईपी मोड में कैसे चलाओगे। लेकिन गाइस आपके मन में सवाल होता होगा ये पीआईपी मोड क्या है। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पीआईपी मोड क्या है, तो आप अपना मोबाइल का जो भी वीडियो है उसको पीआईपी मोड में चला सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कोई एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है, आप अपना फोन से इसको चला सकते हैं। इसके दोस्तों बहुत फायदे हैं, पीआईपी मोड में वीडियो चलाने के बहुत फायदे हैं। आप वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता हूं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना मोबाइल का किसी भी वीडियो को पीआईपी मोड में चलाना चाहते हैं तो ये बहुत ही सिंपल है। दोस्तों आप अपना फोन पर तो एमएक्स प्लेयर यूज करते ही होंगे वीडियो प्ले करने के लिए, तो आप देख सकते हैं सिंपली आपको एमएक्स प्लेयर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप जो वीडियो यहां पर देखना चाहते हैं, मतलब जो वीडियो को पीआईपी मोड में चलाना चाहते हैं, आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना होगा। तो सिंपली गाइस मैं दोस्तों अपना ही रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो में यहां पर प्ले करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहां पर मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वो वीडियो मैंने यहां पर प्ले कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा जो वीडियो है यहां पर शो हो चुका है। दोस्तों पीआईपी मोड में चलाने के लिए आप जो वीडियो प्ले करना चाहते हो आपको सिंपल वीडियो को प्ले करना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्ले कर दिया, चलिए इसे पॉज कर देता हूँ। पॉज कर देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मोबाइल का एक रोटेट करने का ऑप्शन दिया जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो वीडियो है वो रोटेट हो जाएगा। रोटेट हो जाने के बाद सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे गाइस इसके ऊपर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना वीडियो को पीआईपी मोड में चलाना चाहते हो, यहाँ पर देखिए जो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब वॉइस का जो सेटिंग है उसके बगल में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हैं आपका जो वीडियो है वो पीआईपी मोड में प्ले हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो प्ले हो रहा है। इससे क्या होगा दोस्तों, आप फोन में कोई भी काम कर रहे हो लेकिन दोस्तों आपका जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। आप चाहे कोई सॉन्ग सुन रहे हो या चाहे कोई काम कर रहे हो, आप चाहते इस वीडियो को सॉन्ग बैकग्राउंड में प्ले करके रखना, तो आप इसको प्ले कर सकते हैं विदाउट एप्लीकेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितना अच्छा से प्ले हो रहा है। आप चाहे व्हाट्सअप कीजिए, आप चाहे फेसबुक कीजिए, आप चाहे फोन में कोई भी काम कीजिए, आपका जो वीडियो है वो यहाँ पर प्ले होता ही रहेगा। तो देख सकते हैं, है ना कूल ट्रिक। अगर आप एमएक्स प्लेयर यूज़ करते हो तो ये ट्रिक आपको जरूर यूज़ करना चाहिए, आपका जो वीडियो है वो पीआईपी मोड में चलाना चाहिए। सो गाइस अगर आपके फोन में एमएक्स प्लेयर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके एमएक्स प्लेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो सेटिंग मैंने आपको दिखाया उस सेटिंग को ऑन कर आप किसी भी वीडियो को पीआईपी मोड में चला सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, आप फोन में कुछ भी काम करोगे, कुछ भी करोगे फोन में, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका जो वीडियो है वो सामने होम स्क्रीन पर प्ले होता रहेगा। दोस्तों इसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन को यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अंदर से चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।